हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ार कमर्शिया। आज का टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि कंपनी का बैलेंस शीट जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। देखिए, सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर से पहले आपने समझना है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, एक बैलेंस शीट अगर आप कंपनी का लेंगे उसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट जो आपने रेशियो में पढ़ा, और करंट लाइबिलिटी, बड़ा कर्जा छोटा कर्जा। तो ये सारी चीजें आती है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो एंटायर लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। टोटल लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, उसे क्या आप कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। समझ आया? सो जो भी बैलेंस शीट है ना कंपनी का, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड सारा, उसे आप कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक, लेकिन व्हेन यू टॉक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, किसकी बात करेंगे आप कैपिटल स्ट्रक्चर की? देखिए, इसमें आता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट। वेयर इज द डिफरेंस? इसमें आता है आपका करंट लाइबिलिटी, इसमें छोटा कर्जा नहीं आता है, इसमें करंट लाइबिलिटी नहीं आती है। तो याद रखना, मालिक का पैसा और लॉन्ग टर्म डेट, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू कंपोजिशन एंड प्रपोर्शन। देखिए, मालिक का पैसा 50%, प्रेफरेंस का 30% और कर्जा 20%। लॉन्ग टर्म फंड्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। व्हेन यू टॉक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यू टॉक ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। व्हेन यू टॉक ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यू टॉक बोथ लॉन्ग टर्म फंड्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म फंड्स। तो समझ आई फर्क क्या है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बड़ा कर्जा भी आता है, छोटा कर्जा भी आता है, मालिक का तो आता ही आता है, मतलब सारा लाइबिलिटी साइड, उसे आप कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का पार्ट, इसमें सिर्फ करंट लाइबिलिटी नहीं आती है, यू कॉल दैट कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। What is the difference between financial structure and capital structure? आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं डिफरेंस इनकी। ओके, ये पहले मत आपको स्क्रीनशॉट उठाना होगा। Now let's move towards what is capital structure. You know, वहां पे current liability नहीं आती है, ठीक? ये याद रखना, the term capital structure refers to the composition and proportion. Proportion means था ना 50%, 30%, 20% ऐसे। लॉन्ग टर्म फंड्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ये बोलना नहीं, ये जरूरी और जरूरी लिखना कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है रेफर्स टू द कंपोजिशन, मगर कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स में आपका शेयर होल्डर फंड आता है और आता है लॉन्ग टर्म डेट। और एक तो लॉन्ग टर्म है और कितना है, कितने परसेंट भी है, वो भी बताता है। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कंपोजिशन एंड प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है, ओके। दीज लॉन्ग टर्म फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, एक तो ओनर से ऑब्टेन कर सकते हैं और दूसरा बोरोअर से। पढ़ा है आपने, पैसा हम ला सकते हैं मालिक से या तो ला सकते हैं कर्जदार से। जो ओनर का कैपिटल है या शेयर होल्डर फंड, आई होप आपको समझ आया अब हमने ये यूनिट एंड पे क्यों पढ़ा। ओनर्स कैपिटल या शेयर होल्डर फंड, इसमें आता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व एंड प्रॉफिट, जो आपको पता है। ठीक है, ये मालिक का पैसा है। रिटेन्ड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस में हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, बिजनेस में ही रखा है। नाउ बोरोड फंड्स इंक्लूड डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म डेट जो पता है वही। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजें आती है, मालिक का पैसा और लॉन्ग टर्म डेट। मालिक का पैसा इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है और प्रॉफिट है। और बोरोड फंड में क्या आता है, आपका डिबेंचर आता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आती है। नाउ द रेशियो बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। याद रखना, द रेशियो बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या आप इसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर? ख्याल रखना इस बात का कि शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड के बीच में कितना रेशियो है, जिसे ये रेशियो हम मेजर करते हैं। डेट टू इक्विटी आपने पढ़ा होगा, डेट टू इक्विटी वो फॉर्मूला थी ना लॉन्ग टर्म डेट,
लॉन्ग टर्म डेट क्यों लेते थे? डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, समझ ना, दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर. वी चेक द कैपिटल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड. इज इट क्लियर? अब रेशियो बिटवीन शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट के दरमियान क्या है? दैट्स व्हाट यू कॉल कैपिटल स्ट्रक्चर. इन अदर वर्ड्स, इट इज द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी एंड हैज टू कंसिडर देयर मेरिट्स बिफोर रेजिंग. देखिए, आप अपने कैपिटल में क्या पसंद करेंगे? आप अपने कैपिटल में मालिक का पैसा ज्यादा पसंद करेंगे कि कर्जदार का पैसा? ठीक है, एक लेमन कहेगा मालिक का पैसा, लेकिन हम कहते हैं कर्जदार का पैसा भी लाओ, क्योंकि कर्जे पे होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस से प्रॉफिट कम, प्रॉफिट से टैक्स कम. ठीक है, इज इट क्लियर? आगे जाके देखेंगे आप, डेट इज द चीफेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड बिकॉज ऑफ डेट आपकी इनकम बढ़ जाती है, वो हम देखेंगे आगे. देखिए, डेट इज लेस कॉस्टली देन इक्विटी. डेट का खर्चा कम है इक्विटी से, मतलब कैपिटल से, लेकिन डेट रिस्कियर भी है. किससे? इक्विटी से. ये ख्याल रखना है. अकॉर्डिंग टू ट्रेड ऑफ थ्योरी, ट्रेड ऑफ थ्योरी है, उसने कहा है जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना, मतलब जो इंटरेस्ट देना है डेट पे, वो कम होना चाहिए. किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से. सिंपल. अब आपने समझ आया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? पहले मैंने आपको समझाया लिटरली फर्क क्या है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में और कैपिटल स्ट्रक्चर में. ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सिर्फ करंट लायबिलिटी ज्यादा आती है, इसमें करंट लायबिलिटी नहीं आती है. नाउ वी हैव सर्टेन पॉइंट्स दैट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. ऐसे कौन से फैक्टर्स है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब मैं रखूं क्या, मालिक का पैसा ज्यादा रखूं कि कर्जदार का पैसा ज्यादा रखूं. अब कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे बताते हैं, मतलब जो मुझे कंसिडर करने हैं बिफोर डिसाइडिंग माय कैपिटल स्ट्रक्चर. द फर्स्ट वन इज, सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन. क्या बेटा चेक करनी है? कैश फ्लो. यू नो कैश फ्लो. देखिए, अगर कंपनी चाहती है कि वो कर्जा लाए, मतलब अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चाहती है कर्जा रखना, इसको एंश्योर करना है कि हमारे हमें आगे जाके बहुत कैश आएगा टू मीट डेट ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. आप इंटरेस्ट तब दोगे जब आपके पास कैश होगा, आप कर्जा तब खत्म करोगे जब आपके पास कैश होगा. तो कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपको लगता है मुझे आगे जाके कैश ज्यादा आएगा, तो आप ये करेंगे कि आप कर्जा लाएंगे, क्योंकि कर्जे को आप आगे जाके पैसे वापस करेंगे तो पैसे तो होंगे ना आपके पास. इन केस कैश शॉर्टेज इज एक्सपेक्टेड, देन कंपनी शुड यूज मोर ऑफ इक्विटी. अगर आपको लगा कि पैसा नहीं आएगा तो आप कैपिटल इस्तेमाल करें, कर्जा इस्तेमाल ना करें. अगर आपको लगता है कि पैसा ज्यादा आएगा तो कर्जा इस्तेमाल करें. अगर आपको लगता है कि पैसा ज्यादा नहीं आएगा तो आप कैपिटल इस्तेमाल करें, क्योंकि कर्जदार नहीं मानेगा, आपको उसे इंटरेस्ट देना है. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो पोजिशन. नो द सेकेंड वन इज रिस्क. देखिए, कहते हैं क्वेश्चन में कि डेट कैपिटल जो है ना, ये जो डेट कैपिटल है इज मच रिस्कियर देन द इक्विटी. इसमें रिस्क ज्यादा है. किससे? इक्विटी से ज्यादा, क्योंकि एज इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ चार्ज एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट द क्रेडिटर्स कैन आस्क फॉर वाइंड अप ऑफ अ कंपनी. अगर आपने उन्हें इंटरेस्ट नहीं दिया, कर्जदार आएंगे, वो कहेंगे कंपनी बंद कीजिए और एसेट भेजिए, हमें अपना पैसा दीजिए, तो रिस्क फैक्टर है डेट में ज्यादा. दस फ्रॉम रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू इक्विटी कैपिटल इज प्रेफरेबल. अगर रिस्क के हिसाब से आप देखेंगे तो आप चाहेंगे मालिक का पैसा रखना कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा, ना कि कर्जदार का पैसा. समझ आया? रिस्क के हिसाब से आप चाहेंगे इक्विटी कैपिटल ज्यादा रखना, ना कि डेट. हो गए दो. थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ये आपके अकाउंटिंग में नहीं था ये रेशियो, वरना मैंने पढ़ाया होता ही, सिलेबस में नहीं. ठीक, देखिए, ये एक अकाउंटिंग रेशियो है जो मुझे बताता है कि एक कंपनी की कैपेसिटी क्या है, कि वो इंटरेस्ट दे सकता है कि नहीं. समझा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो बताता है कि कंपनी की कैपेसिटी क्या है, क्या ये इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा. इज इट क्लियर? और ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसके बराबर है? EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट. द ग्रेटर दिस रेशियो, जितना ज्यादा ये रेशियो होगा, मोर विल बी द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू यूज डेट एंड
वैसी वर्षा। अगर ये ज्यादा रेशो है, मतलब इसका आंसर है ज्यादा आया, तो समझना इस कंपनी की पोजीशन अच्छी है कि ये डेट इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, जब आप इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली दोगे, इट मींस यू आर एबल टू टैकल विद द डेट। आपने पता है कि मैं डेट का कर्जा मतलब इंटरेस्ट दे सकता हूं टाइम पे, ठीक है, तो आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा होगा। नाउ टैक्स रेट, हायर टैक्स रेट एनकरेज कंपनी टू यूज मोर डेट। अगर टैक्स रेट ज्यादा है, क्या है याद रखना, टैक्स रेट क्या है ज्यादा, तो कंपनी को चाहिए कि वो डेट कर्जा ज्यादा इस्तेमाल करे। सर क्यों? क्योंकि डेट पे हम क्या देते हैं, डेट पे हम देते हैं इंटरेस्ट। क्या देते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस से क्या होगा सर? प्रॉफिट कम। प्रॉफिट कम से क्या होगा? टैक्स कम। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो आप इस्तेमाल कीजिए डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। एज इंटरेस्ट ऑन डेट इज सब्ट्रैक्टेड टू प्रॉफिट विच लेड्स टू रिडक्शन इन टैक्स। तो ये है रिलेशन, टैक्स कैसे कम होता है। तो चार पॉइंट्स हो गए। नाउ कॉस्ट ऑफ डेट, देखो हर कोई कर्जा, आप इस वक्त पढ़ रहे हो डिबेंचर, 13% डिबेंचर ऐसे पढ़ा है आपने, 14% डिबेंचर ऐसे पढ़ रहे हो आप। हर एक कर्जे का अपना कॉस्ट है, इसका मतलब है इस कर्जे पे 13% इंटरेस्ट देना है। यू कॉल इट कॉस्ट ऑफ डेट, यू कॉल इट कॉस्ट ऑफ डेट। द फ्रेमिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ डेट। अगर कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस है, कॉस्ट ऑफ डेट कम है, देन डेट इज एनकरेज्ड, आप डेट रख सकते हो, क्योंकि कर्जे पे आप कम इंटरेस्ट देना है तो आपके लिए फायदा है, फायदा है तो रखिए ना डेट, ठीक। लास्ट वन इज फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब, आप एज्यूम करें जब मुझे नए एडमिशन्स आते हैं तो मैं ब्रोशर्स बनाता हूँ, सो उन ब्रोशर्स पे मुझे खर्चा होता है। ऐसे ही जब कंपनी शेयर्स इशू करते हैं तो इन्हें प्रोस्पेक्टस प्रिंटिंग पे खर्चा होता है, उस खर्चे को आप कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, जो कि आपकी एंट्री है ना एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या कहते हैं? फ्लोटेशन। द कॉस्ट विच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। दीज कॉस्ट इंक्लूड कमीशन, ब्रोकरेज, स्टेशनरी एक्सपेंस एंड द लाइक। द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज नल। फ्लोटेशन कॉस्ट किसकी? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मीन्स हमारा प्रॉफिट है ना, वो भी है ना हमारा ये व्हाट यू से सोर्स ऑफ फाइनेंस, हमारे प्रॉफिट को उसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगा क्योंकि वो हमारा अपना पैसा है। इज इट क्लियर? हम लोगों को नहीं कह रहे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, रादर हमारे पास 5 करोड़ है कंपनी में, वही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। जब एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है तो उसका कॉस्ट कम लगता है, सो एट दैट टाइम रिटेन्ड अर्निंग्स आर प्रेफरेबल। व्हाट वी प्रेफर? रिटेन्ड अर्निंग्स एट दैट टाइम। सो फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हमें लगता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम कहते हैं लोगों को हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हम कहते हैं ना, उस कहने में खर्चा लगता है, उस खर्चे को कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या कहते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर ये ज्यादा लग रहा है तो हम अपना ही प्रॉफिट इन्वेस्ट फिर से करेंगे। इज इट क्लियर? द लास्ट वन इज कंट्रोल। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन इन सच अ मैनर दैट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कंटिन्यू टू होल्ड मेजोरिटी स्टॉक। अगर शेयर होल्डर्स को लग रहा है हम दूसरे शेयर्स इशू नहीं करेंगे, क्यों सर? बाकी मालिक बनेंगे, वो भी मालिक बनेंगे ना जो शेयर्स इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वो कहते हैं कि नहीं हम ज्यादा शेयर्स इशू नहीं करेंगे। अगर हम ज्यादा शेयर्स इशू नहीं करेंगे तो हम डेट इशू करेंगे। वो चाहते हैं कंट्रोल अपने पास रखना, दूसरों के पास नहीं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, वहां पे एक क्वेश्चन आएगा आपको, फाइनेंसिंग डिसीजन। व्हाट इज फाइनेंसिंग? ठीक है, सिंपल द टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन। अगर फाइनेंसिंग या फाइनेंशियल अलग है, फाइनेंशियल वो 3 डिसीजन जो मैंने बताए थे, ठीक है। फाइनेंशियल में आते हैं इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन याद है, और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में ये है फाइनेंसिंग, उसका एक पार्ट। द टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से लाए? फ्रॉम वेयर टू रेज फंड्स। द टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू फ्रॉम ये
दूसरी बार आया है, इट कैन बी ओपटेन फ्रॉम ओनर्स एंड बोरोस, और ओनर्स फंड को आप कहते हैं इक्विटी, बराबर वही लिखा है सर। तो आपने यहाँ पे क्यों रखा है ये? अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन आया ना, क्वेश्चन क्या आया, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, जो कैपिटल स्ट्रक्चर के पॉइंट है ना, वही लिखना बस। समझ आया? अगर व्हाट आर फाइनेंसिंग डिसीजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो कैपिटल स्ट्रक्चर के पॉइंट है वही लिखना बस, बाकी कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, पढ़ाया मैंने। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स आते हैं कि नहीं, और इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं। शेयर होल्डर फंड आता क्या क्या है? शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट एंड करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड एंड लॉन्ग टर्म डेट्स ओनली। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज द एंटायर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके साथ मैंने ये कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रखे, तो आप याद कीजिए। नाउ वी हैव ओनली टू लेक्चर्स टू कम्प्लीट योर दिस यूनिट। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।